प्रति
कोई गलत भावना नहीं रख रही हूँ, लेकिन मैं अपने सेफ्टी के वजह से ये काम करूंगी। I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place where you go. You good, good person, yeah. Very good person. And shukran. Love you. Your kids, उनको ना actually दूसरे ओर जाना था, लेकिन मैं जिस तरफ जाऊंगी मैं उनको, वो मेरे को बार बार पूछे कहाँ जाना है कहाँ जाना है, तो वो समझ नहीं पा रहे थे। फिर मैं GPS ऑन करके उनको दी, तो वो दूसरे तरफ जाने वाले थे लेकिन सिर्फ मुझे छोड़ने के लिए फिर उस तरफ जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस तरफ ना, अमान में ना एक्चुअली बहुत ट्रैफिक होता है शाम के टाइम में, तो बेचारे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। मैं बोली आप यहाँ पर मुझे ड्रॉप कर दीजिए, मैं यहाँ से फिर अलग तरीके से जाऊँगी। फिर भी वो मान नहीं रहे, बोले नहीं नहीं छोड़ देंगे। तो वही मतलब यहाँ पे आके मेरे को उम्मीद नहीं हो रही कि ऐसे भी लोग मिलेंगे। आज का दिन ना सुबह से जब से मैं निकली हूँ इतने हेल्पफुल लोग मिल रहे हैं सुबह से, मतलब एकदम स्टार्ट ऑफ माई जर्नी से तब से बहुत हेल्पफुल लोग मिल रहे हैं। और तो आज मेरा मतलब शायद से कोई लकी डे रहेगा कि मुझे सबसे मदद मिलने वाला होगा, मे बी आज मेरा लकी डे है। और हाँ, होप करती हूँ कि बहुत जल्दी पहुँचो, एंड इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रे भी करूँगी ये जल्दी से अपने घर में जाए। इनका घर इज़राइल में है, जल्दी से घर में जाए, सब फैमिली से मिले और हंसी खुशी रहे, ये मेरा प्रे रहेगा इनके लिए। अभी मैं उतर गई हूँ तो ये जूस पी सकती हूँ, और बहुत अच्छे इंसान थे। मतलब मैं अभी तक भरोसा नहीं कर पा रही हूँ कि कोई ऐसे अनजान देश में इतना हेल्प करेंगे मुफ्त में, वहाँ से अमान से लेके आए। मतलब मेरा कितना रुपए खर्च होता वो बच गया, रास्ते में ये जूस लाके दिए। वो दूसरे जगह पे जाने वाले थे लेकिन मेरे लिए उल्टा रास्ते आए। मतलब सच में दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं, और आपको उस चीज़ का वेट करना पड़ेगा अच्छे लोगों से मिलने के लिए। और सच में आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। मैं जस्ट रास्ते से चल चल के जा रही थी और मुझे कुछ मिठाई शॉप दिखा, एंड गेस करो क्या मिला मुझे, जॉर्डन में आके जलेबी। एंड मैं पूछी भी नाम क्या है, बोले जिलबी नाम है इसका। मैं बोली ओके जलेबी, लेकिन ये कलरफुल सा ऐसा कुछ है, और ये खजूर शेप का ऐसा स्वीट्स है, और ऐसे गोल गोल सा गुलाब जामुन दिखने जैसा, लेकिन गुलाब जामुन है नहीं। तो ये इतना सारा 0.5 देना, मतलब 50 रुपए का ये मिठाई है। लेस टेस्ट, मेरा मुंह में पानी आ रहा है। बहुत टेस्टी है। जॉर्डन का जलेबी, हमारा जलेबी ज़्यादा टेस्टी है। और ये सब में से मुझे ये सबसे अच्छा लगा, क्रिस्पी है, कम मीठा है। बंगाली में एक मिठाई मिलता है खास्ता गोजा, ये उसकी तरह लग रहा है खाने के लिए। Feel it within, so go ahead and just spin, yeah, spin for me, won't you?
किया जाए, पर ठंड सा हो रखा है और सर भी थोड़ा दुख रहा है मेरा। चाय वाय मिल जाए कहीं पे जम के पीने के लिए, मज़ा आ जाए भैया ठंड में। दिन काफी बढ़िया चल रहा है। एक मिनट भाई, रोड क्रॉस कर ले। गरम चाय के साथ रोड क्रॉस इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो आज का दिन काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरा, और ये है गर्म चाय की प्याली ठंडी ठंडी मौसम में। और मैं जहाँ पे चाय लेने गई थी वहाँ पे था एक छोटा सा बच्चा, मतलब यंग लड़का था, टीनेजर। तो वो मेरे को, मैं उसको पूछी तुम्हारा नाम क्या है, वो समझ नहीं पा रहा था नाम। तो मैं बोली अमी, मतलब मी श्रेया। तो अब तब वो अपना नाम से बोला, फिर मेरे को पूछा कि इंस्टाग्राम, ये लोग ना एक्चुअली इंस्टाग्राम को भी ऐसे बोलते हैं, आप समझ नहीं पाओगे। तो बोला इंस्टाग्राम, उन्होंने हाँ है ऑब्वियसली। फिर मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दी, और उसके बाद मैं बोली फेसबुक भी है देखो। फिर वो अपने से यूट्यूब भी क्लिक किया, और मैं चाय संभालते हुए बात करते हुए जा रही हूँ, क्योंकि ये जो कप देख रहे हो पूरा भरा हुआ है, और छलके का मतलब मेरा पूरा हाथ जल जाएगा। तो ये था वो मेन्यू, और मैं समझा नहीं पा रही थी मुझे क्या चाहिए, तो मैं ना ऐसे उंगली दिखा के बोली एक 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 को ना वाहिद बोलते हैं, तो वही एक चीज़ सीखी हूँ, एक वाहिद वाहिद। और एक बोलते खमसी, मतलब पांच, वो समझ में आता है मेरे को। और क्योंकि अभी बहुत दिन हो गए हैं ना अरब कंट्रीज़ में घूम रही हूँ, अरेबियन सुन के अभी थोड़ा थोड़ा कुछ ना मैं गेस करके समझना स्टार्ट कर दी हूँ। तो होता है, अब एक महीना से ज़्यादा हो गया मेरे को अरबिक वर्ल्ड में घूमते हुए, अभी मैं थोड़ा थोड़ा गेस करके समझ जा रही हूँ चीज़ों को। और ये बहुत अच्छा डील मिला खाने का, और इसके अंदर ना वो जो KFC वाला फ्राइड चिकन होता है वो है, लेकिन इतना बड़ा बकेट में, लगभग मुझे लग रहा है कि 1 kg के ऊपर चिकन होगा। और वो बकेट फिल करने के लिए पूरा फ्रेंच फ्राई दिया हुआ है उसके अंदर, और उसके साथ यहाँ पे जैसे एज यूजुअल पिकल्स होता है, पिकल्स मतलब क्यूकम्बर कैरेट वो सब का पिकल है। और ख़ास करके क्योंकि मुझे चिली चाहिए था, तो इसीलिए मैं चिली लेके आई हूँ एक डब्बा भर के, और मेयो वगैरह सब कुछ है। अभी बस रूम में जाना है और चबाना है खाना।